नमस्कार, मैं विद्या। अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन एक रेसिपी जो महाराष्ट्र के विदर्भ से है और बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है। बहुत ही कम मसालों से बनती है, कम सामग्री से बनती है और स्वाद के तो क्या कहने, अप्रतिम स्वाद है इसका। इस लॉकडाउन के समय में खाने में एक नया टेस्ट देने वाली यह रेसिपी है, तो चले बनाना हम शुरू करें। आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्रियन पारंपरिक रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लिए 1.5 कप चावल। चावल को मैंने धोकर रखा है। 1.5 कप चावल है तो मैंने 1 कप बेसन लिया है और दही है। दही हमें ज़रूरत के अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। कड़ी पत्ता, जीरा, राई, हींग है तड़के के लिए। तो सबसे पहले अब हम गोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन लेंगे एक बर्तन में। 1 कप मैंने बेसन लिया है। देंगे पसंद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हींग चुटकी भर और 1 चम्मच भर कर दही। 1 बड़ा चम्मच मैंने दही दिया है। हल्दी पाउडर थोड़ी सी, स्वाद अनुसार नमक और तेल देंगे 1 चम्मच। अब इसे सान लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता देंगे हम, थोड़ा सा धनिया पत्ता। दही और तेल से ही अच्छा डो बन जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें तेल देना है सानने के लिए, पानी का इस्तेमाल नहीं करना। डो बन चुका है, अब हम थोड़ी सी ऊपर से पत्ता डालेंगे और इसे धनिया पत्ता से एक बार फिर धनिया पत्ता अच्छे से मिला लेंगे। धनिया पत्ता से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे छोटे छोटे गोले बनाते हैं। मैंने हाथों को थोड़ा सा तेल लगा लिया है। थोड़ा सा आटा उठाएंगे और इसे इन 3 उंगलियों के बीच में रखेंगे और इस तरह से हमें इसे प्रेस करना है ताकि उंगलियों के निशान इस पे आ जाए। इस तरह से ये जो उंगलियों के निशान है, ऐसे उंगलियों के निशान आने चाहिए। इसे हम मराठी में गोड़ा कहते हैं। फिर से लेंगे, अब हम इसे इस तरह से दबाएंगे 3 उंगलियों से। इस तरह से निशान आने चाहिए। गट्टे बन के तैयार है। अब चलते हैं गैस की तरफ चावल पकने के लिए। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है बड़ा। इस बर्तन में हम जितना चावल लिया है हमने उससे दुगना पानी लेंगे। तो मैंने 1.5 कप चावल लिए थे तो मैं 3 कप पानी दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल के लिए 3 कप पानी दे दिया है। अब हम देंगे नमक। चावल के स्वाद अनुसार नमक देंगे हम। हल्दी पाउडर देंगे और 1 बड़ा चम्मच हमें तेल देना है और देंगे दही 2 चम्मच। 2 चम्मच मैंने दही दिया है। अच्छे से इसे मिला लें दही को। दही को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें देंगे चावल। अब हम चावल को पकने छोड़ देते हैं। हमें चावल को पूरा पकाना नहीं है, हमें 70% चावल पकाना है। चावल 70% पकने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने गट्टे बना के रखे थे, वो गट्टे डालेंगे। तो अभी मैं इसे धीमी आंच पर पकना छोड़ देती हूँ। चावल 70% पक चुके हैं। इस तरह से हमें चावल चाहिए परफेक्ट। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने गोले बना के रखे थे, गट्टे बना के रखे थे, वो डालेंगे हम। ये आ गए गट्टे, एक एक करके हम रखेंगे इसे। रखने के बाद हमें क्या करना है, इस पर ऐसे चावल डाल के इसे हमें ढक देना है। तुरंत रखते जाएंगे और तुरंत ढकते जाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इस तरह से एक बीच में रखेंगे, इसे भी हम तुरंत ढक देंगे। अब हम इसे ढक्कन देके धीमी आंच पर हम इसे पकाएंगे।
कुछ देर हो चुके, अब हम चेक करेंगे चावल पके हैं कि नहीं। बहुत अच्छे से चावल पक चुके हैं। हल्के हाथों से चावल को हटाना है और बहुत ही बढ़िया से गट्टे को थोड़ा चेक करेंगे। सख्त तो नहीं बना गट्टा और बहुत ही सॉफ्ट सा गट्टा ये बना है। आप इस तरह से इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो है इसका तड़का। तो हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़का पैन मैंने रख दिया है, आप चाहे तो तेल का भी तड़का कर सकते हैं, लेकिन स्वाद के लिए घी का तड़का ही बेस्ट है। देंगे घी, घी के गर्म होते ही देंगे राई, राई के फूटने के बाद देंगे जीरा, देंगे हींग। अभी मैंने आंच को बंद कर दिया है। राई जीरा फूटने के बाद देंगे कड़ी पत्ता और ये गर्मा गर्म तड़का हम ढक दें। 2 मिनट बाद इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब फिर इसका मज़ा लूंगी तड़के वाले छाछ के साथ। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका, आप इसे ज़रूर ज़रूर बनाएं। गोड़ा भात के साथ जाता है छाछ, वो भी तड़के वाला। मराठी में ऐसे कहते हैं फोड़नीच ताक। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही का छाछ बना लिया है। अब इस छाछ को हम तड़का देंगे। छाछ के तड़के के लिए एक बर्तन में हम लेंगे थोड़ा सा तेल। तेल के गर्म होते ही देंगे राई, थोड़ी सी देंगे जीरा, देंगे हींग चुटकी भर। आज को भी मैंने बंद कर दिया है राई जीरा फूटने के बाद। और देंगे तेल में ही हम धनिया पत्ता मिला लें। धनिया पत्ता को हम देंगे इसमें, इस पैन में ही छाछ। आज को मैंने बंद कर दिया है, इस बात का ख्याल रखें। इसे हमें कुछ गर्म नहीं करना, बस मैंने बड़ा बर्तन लिया था तो मैंने छाछ इसी में डाल दिया है। अब मैं इस छाछ को निकाल लेती हूँ और देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को मिला लें। धनिया पत्ता मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से और धनिया पत्ता दे रही हूँ। गोड़ा भात आप जरूर जरूर बनाएं, इसे बनाएं, इसका आनंद लें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।